नबी का झंडा हर घर में लहरा, पुकारो जावेद माता जा गई भी हो। Yeah, MD, JPB. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Yeah.
अकबर भाई, ये हमारे बड़े पुराने मित्र, हमारे फ्रेंड बन चुके हैं। और कैसे आगे भाई? अरे बड़ा, बस महफिल का आनंद ले रहे हैं, जलसे का जुलूस का। और तुम बताओ ये उनके साथ जाते माशाल्लाह, क्या बात है। ये हलीम के दीवाने हमारे लिए हलीम आया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा हलीम क्या बात है, ये होता नहीं ना। आमिर को नहीं लेके आओ, देखो प्रॉपर एकदम हलीम किया जा रहा है। हलीम इतना अच्छा है कि हम एक कटोरी और लेंगे भाई। हमारे शानू भाई हमारे लिए हलीम है। बच्चे के दिल में आज मोहम्मदी जुलूस का जुनून है। हमारे मौदा के युवा नेता और बहुत ज़्यादा जुझारू नेता, जो हर वक्त गरीबों की, यतीमों की और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। एक नेता ऐसा मौदा में नहीं, हर ज़िले, हर कस्बे, हर गांव में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका तैयारी बहुत बढ़िया है, बहुत हमने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा जुलूस है। हमारे मजहब में खुरदंग यहाँ ये अलाउ नहीं है, इसलिए बड़े शालीनता के साथ और कैदे जुलूस चल रहा है। इसके लिए हम अपने शहर के नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने संयम का परिचय दिया। एक बात और कहता हूँ कि हमारे मौदा की शान में अकबर भाई भी है। अरे ये यहाँ बिरयानी का लंगर है और गाड़ी दी किया है। और ये हमारी बिरयानी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गर्म है, बहुत लजीज। हाजी मोइनुद्दीन की जानिब से ये लंगर है, ऐसी हाजी मोइनुद्दीन की जानिब से लंगर है। तो दोस्तों हम हैं इस वक्त उपरोस में, और जैसा कि आपने पुराने वाले ब्लॉग में देखा भाई, जो हमारा बाइक जुलूस था बहुत धमाकेदार था, बहुत बड़ा था, आपने कई सारे पार्ट देखे। और अभी जो तैयारी चल रही है इस वक्त हमें उपरोस में, और जो शाम में झंडों का जुलूस निकलता है बेहतरीन, बहुत खूबसूरत खूबसूरत झंडे, और बहुत लोग मेहनत करते हैं। और फिर वहाँ पर हर एक मोहल्ला की जो कमेटी है वो इनाम रखता है उन झंडों के लिए, तो उसका भी ब्लॉग प्रॉपर चल रहा है। तो और अभी हम आए हैं राशिद के साथ में भाई उपरोस में, और यहाँ पर लजीज खीर तैयार हुई। और ये हमारे दाऊद भाई, जो बहुत मेहनत से एकदम जो है आपका खीर की घुटाई कर रहे हैं। जो खीर है ये कंप्लीट है, दूसरा भगोना तैयार हो रहा है, और बस एक से दो घंटे बाद यहाँ ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास झंडे आ जाते हैं, और रोशनी का भी इंतज़ाम है। अशित कुछ दो लफ्ज, बस तैयारी चल रही है लंगर के लिए, शाम के सब तैयारी हो रही है। सो गाइस, सुबह का जुलूस था और अभी शाम का जुलूस है झंडों का, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत खूबसूरत झंडे हैं। अभी हम हैं लिको चौराहा में, और ये पूरा सुबह से अब तक ये दूसरा जुलूस है, इसके बाद में रोशनी है, उसका भी प्रॉपर व्लॉग आएगा। तो चलिए हम आपको झंडे ये सबसे बड़ा झंडा है, ये आप देखिए, और ये कई जगह आपका फर्स्ट झंडा आया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा झंडा है। साहब भाई हमारा कैमरा बहुत जान से जान के पलटे लेना आपको। आपका
ने अपना इनाम और अपना झंडा ले जाते हुए और यहाँ से ये सिलसिला आपका अगेन आपका छोटे अलाव तक चलेगा और अभी हम लोग बड़े पहुंच जाएंगे वहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम होने वाले हैं। एंड ये आप भीड़ देखिए, ये जज्बा है मौदहा के लोगों का, मोहम्मदी जुलूस के लोगों का। और ये आपको घड़ी किसको मिल रही है और इस बात से ये घड़ी और आप देखिए और इस तरीके से ये माहौल है हमारे मौदहा कस्बे का, मौदहा का और मौदहा में ये मोहम्मदी जुलूस का और भीड़ देखिए और माशाल्लाह से ये एंड ये आपका है नबी का झंडा हर घर में लहरा पुकारो या अभी बनरा तेरा नबी का झंडा हर शिशु रे नबी का झंडा हर घर में लहरा पुकारो हमारा उपरोस मोहल्ला है और यहाँ पे उपरोस मोहल्ले में ये किया जा रहा है कि इस बार हर झंडे वाले को इनाम दिया जा रहा है, तो इसलिए ये आप देख रहे होंगे। वस्सलाम सब बढ़िया और ये वस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ये बच्चे सब हमारे फैंस हैं और ये लाइन से कतार लगाई जा रही है ताकि जो है आपको हर बच्चे को, हर झंडे वाले को, हर आशिक रसूल को जो है इनाम दिया जा सके और इसलिए ये आपकी लाइन से लगी, लाइन कतार लगी हुई है। और इधर ही कुछ आपके बड़े झंडे हैं और ये है पूरा जुलूस मोहम्मदी और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसके जितने भी पार्ट आए सारे ही पार्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मज़ा आया होगा देखने में। और जितनी भी हमारी मौदहा की जनता बाहर स्पेशली यहाँ पे नहीं आ पाई है तो उन सब के लिए ये मैंने कोशिश करी है, मेहनत करी है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ दिखा सकूँ। और नकी भाई की आज अम्मी बहुत उदास थी क्योंकि नकी फंस गया दिल्ली से मौदहा में जाम में, तो मैंने कहा चलिए हम इस तरीके से व्लॉग करेंगे ताकि नकी कभी भी देखेंगे तो उनको जुलूस की कमी नहीं खलेगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए अच्छे और एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बख़ैर, लव यू गाइज़।